इस बार तो उसकी ऐसी बेइज्जती की ना मैंने, अब तू देख इस बार वो मेरे पैरों में आकर गिड़गिड़ाएगी। बस एक रात की तो बात थी, क्या ही जाता उसका। अब देख कैसे उसकी बेइज्जती करता हूं मैं सबके सामने। पक्का ये साला किसी लड़की का फायदा उठाना चाह रहा था, और वो मानी नहीं तो अब उसे और परेशान कर रहे। उसे तो अब मैं शांति से जीने नहीं दूंगा, उसको सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है। फिर भी उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरी ही बीवी और बच्चे के सामने मेरी इज्जत उतार दी। अब देख मैं कैसे उससे अपना बदला पूरा करूंगा। तुम सब तैयार रहना। दिमाग ठंडा रख सचिन, भाड़े का गाड़ी बेकार में लफड़ा हो जाए। मेरी छोड़, तुम बताओ तुम कैसे फील कर रही हो। हेलो रोशनी, आवाज आ रही है? तेजस, मुझे मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ प्लीज बोलो ना, क्या बात है? हमारी शादी होने से पहले मेरे बारे में कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। मैं सिर्फ 18 साल की थी जब भाई ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी थी। उस शादी से मेरा एक बेटा भी है जो 6 साल का है। उसका नाम क्रिश है। मैं प्यार करती हूँ मनोज से। जिस आदमी से मेरी शादी हुई थी मुझसे उम्र में बहुत बड़ा था। शादी के कुछ साल बाद ही वो मर गया। मैं किसी किसी बड़े रेस्टोरेंट ओनर की बेटी नहीं। अब मैं डिसीजन तुम पर छोड़ती हूँ कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। मेरा जो फैसला होगा मान लूंगी। काकू ने मुझे शादी का जोड़ा पहन के मंडप में बुलाया। तुम्हें बता दो मैं जोड़ा पहनकर शादी में आऊं कि नहीं। हेलो हेलो तेजस, हेलो क्या हुआ? फोन काट दिया उसने। कौन है? रोशनी, मैं साइली। उसने सब सुन तो नहीं लिया ना? अब जो भी होगा मंडप जाकर ही पता चलेगा। मजा नहीं आ रहा है, इसका ऑडियो ही सुनता हूँ। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी लाइफ बर्बाद मत करो। ये आवाज किधर तो भी सुनी लाए ना, ऐसा लगता है किसकी आवाज है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।